बेटा आज के टॉपिक में भागना नहीं है किसी को भी, ठीक है? जिनको पढ़ना है वो तो नहीं भागेंगे, वो लास्ट तक नहीं भागते। मैं 10 मिनट एक्सटेंड भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको बेटा नहीं भी भागना है, तो वैसे आपको होता है ना कि कई बच्चे आधे घंटे के बाद 40 घंटे के बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो उनका मन बोलता है कि तू क्या कर रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है, चल बेटा तू अभी जा, लीव कर क्लास, लीव कर। वो कंट्रोल करते 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 रहेगा लेकिन लीव कर जाएगा। तो वैसे लोगों से खास करके मुझे अनुरोध है बेटा कि आज के टॉपिक में आप बने रहें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, नजारा बहुत शानदार। सर इंटरेस्टिंग है क्या? सर कोई मजेदार कहानी सुनाओगे? भैया नहीं, हम कहानी क्यों सुनाएंगे, मैथ्स में कहानी सुने, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो आप। चले जी, स्क्रीन सबको दिख रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, एकदम बढ़िया सर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, काफी खूबसूरत टॉपिक, जो बार बार बोलता हूं बेटा इसको जेई से बहुत प्यार है, जेई को इससे बहुत प्यार है, तो हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, जेई के भी यही चीज है, बहुत मानता है जेई इसको, जब ही आएगा सवाल पूछ देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे 40 मिनट में क्लास लीव कर जाते हैं बेटा, ये टॉपिक जैसे एंड हो जाएगा ना, वैसे आपको इंटरेस्ट लगे सर हाँ अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको लगे सर क्या चल रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी कंट्रोल करना, संभालना खुद को। चलिए जी, सबसे पहले बेटा कुछ वही पुरानी बातें जो आपने स्कूल में पढ़ लिया है कि सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा लोग? सर सबसे पहला स्टेप होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, हम उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और बाद में हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा लोग कि सर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढिए। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने ढूंढ लिया तो फिर आप उसका ट्रांसपोज लीजिए। एक मिनट सर, अब ना मेरे सामने दो दो समस्याएं। क्या? कि पहला मुझे ये बताओ कि सर एडजॉइंट आपने बोला कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो सर क्या हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जी। क्यों सर? बेटा सारे मैट्रिक्स का कोफैक्टर थोड़ी निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के लिए वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब मैंने बोला बेटा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। सिंस वी विल बी फाइंडिंग एडजॉइंट और कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, सो ट्रांसपोज लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहला नियम ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कि आप एक मैट्रिक्स का 10-20 बार एडजॉइंट निकाल दीजिए। अब बेटा जितने एलिमेंट्स होंगे उतने कोफैक्टर्स पॉसिबल है, और कोफैक्टर आपने बना दिया सर तो उनका ट्रांसपोज लेकर कर क्या रहे हो आप? आप ट्रांसपोज लेकर सर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो। अब देखो समझने वाली बात यह है कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ट्रांसपोज हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकालते, ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज में करना क्या होता है सर? रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। उसमें कौन सा आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है? लग रहा है सर इक्वल टू एमसी स्क्वायर यहीं पे लगाएंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लेंगे सर हम इस पे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द ट्रांसपोज, लेकिन कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आई जो जस्ट मैंने इतना हिंदी में बोला है, अब थोड़े बहुत आप वापस हिंदी में समझिए। बेटा एक मैट्रिक्स लीजिए ये वाला, लेट से कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर कौन बता देगा? 3-4 दिन लगता है। 1 into 3 कितना है? 1 into 3 1 cross 3 कॉलम। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? 3 into 1 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 into 1 ऐसा हो जाएगा सर। तो हमने तो ये देखा कि सर रो जो था अब वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो तो रो बन गया, तो सर ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का ऑर्डर को चेंज करता है। कॉन्सेप्ट को समझिए सर, ट्रांसपोज के पास पावर है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देगा एग्जैक्टली। लेकिन सर अगर कहानी में स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो सर ट्रांसपोज कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि बेटा अगर ये 2/2 होता तो ट्रांसपोज भी 2/2 कहीं निकलता। तो हमने क्या यहां से कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला बेटा कि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स का, आप एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, बाकी उसके फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑर्डर पे। बात समझ में आई? सर कितना बार कोफैक्टर निकाल सकते हैं? बेटा जितने मर्जी आप कोफैक्टर निकालिए। अब 9 एलिमेंट्स थे, अब 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालोगे तो 9 कोफैक्टर्स पॉसिबल है, तो वापस 9 एलिमेंट्स 9 कोफैक्टर्स। अब वो 9 कोफैक्टर के कोफैक्टर निकालेंगे तो सर वो भी 9 कोफैक्टर्स देंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। 10-20 बार मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 कि सर ऑर्डर चेंज नहीं होता है, मैं लिख भी दे रहा हूं कि सर ऑर्डर डज नॉट चेंज, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज व्हेन वी टेक या व्हेन वी फाइंड एडजॉइंट आप n टाइम्स लिख दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10-20 बार आप एडजॉइंट निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है सर? ऑर्डर पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ जाएगा। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, मैं मान लिया कि ये होता है, अब मुझे बताओ कि होता क्या है। अब ये वाले पॉइंट को देखिएगा, जे इस पे एक बार सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था। वो सवाल अभी मेरे दिमाग में नहीं है क्योंकि सवाल का विड्थ बहुत ज्यादा था, तो मेरे दिमाग में है नहीं, मैं दे दूंगा इन फ्यूचर या आज ही दे दूंगा। बस मेरे को ग्रुप में केशव तो है, केशव याद दिला देगा कि सर वो सवाल भेज दो जो आप बोले थे। तो केशव मेरे को एक बार रिमाइंड करना, वो सवाल आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है बेटा लोग? यस बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आइए, कुछ देर तक कोई भी बच्चा इधर की ओर ना देखे, मेरा अनुरोध है आपसे, ये बॉक्स को ना पढ़े, नहीं तो फिर आप मैथ से भरोसा छोड़ देंगे, बोलेंगे सर ये अंग्रेजी कहां से आ गया। छोड़ो अभी, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो, छोड़ो अभी। हम बात करते हैं सर, ये एक मैट्रिक्स है और है भी सर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं तो सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये जो डब्बा है ना सर उसको वर्टिकल लाइन से रिप्लेस करना होता है। गलती नंबर 1 कि बच्चे जल्दबाजी में जब एग्जाम देने जाते हैं तो ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना देते हैं, लेकिन इस इधर ये लिखने की आदत हो जाती है, अब बोर्ड वाला गुस्सा करके मार्क्स काट देता है कि भैया आप डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स का इक्वल कब से कर दिया यार। तो ध्यान देना कि जब भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं यूज टू वर्टिकल लाइंस, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट का वैल्यू डी है तो वो कुछ ऐसा लिखा जाता है। अब ये क्या बला है समझते हैं सर, चलिए शुरू करते हैं इस मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। बेटा मुझे बताइए ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले मैं A11 पकड़ूंगा, हाँ जी सर पकड़िए, फिर A23 - A23 - A12। बताइए बेटा लोग, आप भी बोलिए। A21 - A33 - A22 - A31। केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिए क्या आप लोग? सिर्फ दो ही बच्चे बोल रहे हैं। मैं ऐसा समझू कि बाकी किसी को आता नहीं है, आप वो भी बोल दो ना बेटा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मेरे को वैसे भी तारीफ करने की आदत है आप सभी की। A12 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? A21 - A33 - A32 - A31 हाँ जी हाँ जी, A23 - A31 फिर क्या हो जाएगा बेटा लोग? प्लस A13 और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? A21 - A32 - A31 बिल्कुल जी। अच्छा अब एक बात बोलता हूँ बेटा, जरा सोच कर देखो इसका कोफैक्टर क्या आता, यही आता? यस सर। कोफैक्टर क्या होता है सर? डिलीट रो एंड कॉलम, माइनर होता है। और वही सर अगर इवन, इनको ऐड करने के बाद इवन आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो, और अगर माइनस आ गया तो सर नेगेटिव होता है। कितने बच्चों को सीआईजे का फॉर्मूला याद है? -1/i + j (MIJ) क्या आपको याद है? नहीं याद है सर? याद है सर। सर अगर ट्रू और फॉल्स में
आंसर क्वेश्चन को रिप्लेस करके यस और नो में पूछा जाए ना, तो मेरा आंसर हमेशा नो रहेगा, वो सवाल कोई भी हो फर्क ही नहीं पड़ता सर। क्या आपको अपना नाम याद है? ना। क्या आपको अपने घर का पता याद है? ना। क्या आपको बर्थडे याद है? ना। कुछ याद नहीं है सर, हम गजनी है सर, क्या बताऊं बेटा। इसका को फैक्टर कितना होगा? यही होगा ना। जिंदगी में हाँ बोलना सीखना है ना, ना को इतने दिल पे मत लो। होगा कि नहीं बेटा? लो यस सर। मैं छुट्टी कर दूंगा, एक बात और बता रहा हूं, मैं छुट्टी कर दूंगा, सारे घर में मजे करोगे, फिर बोलोगे सर ज्वाइंट बढ़ाया नहीं आपने। इसका को फैक्टर बताओ, यही होगा बेटा। लो यस सर। माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में। माइनस। वेरी गुड। कोई बच्चा मुझे इसका को फैक्टर बता सकता है? ये होगा सर A11, A33, A13 into A31, और क्योंकि 224 इवन आ रहा है सर, मतलब पॉजिटिव आंसर देगा। अच्छा अब आप ध्यान से समझिए बेटा, मैं लिख रहा हूं A11 और ये जो चीज है ये इसी एलिमेंट का कोफैक्टर बन रहा है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं? A22, A33 minus A23 into A32, बिल्कुल जी सर। तो अब मैं लिख रहा हूं A11 into C11 एलिमेंट इंटू इट्स को फैक्टर माइनस एलिमेंट इंटू को फैक्टर, बट ये एलिमेंट का को फैक्टर निकालोगे तो बेटा नेगेटिव आंसर देगा, इस नेगेटिव के चलते ये भाई साहब प्लस बन गए। तो एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस में एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर, और ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है बेटा लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए का। क्या बात समझ में आती है? आती है सर, बिल्कुल आती है। तो यहां से अच्छा अब मैंने बोला बेटा एक वर्ड यूज किया है, वो यूज किया मैं एलिमेंट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। अगर आप एलिमेंट को ले रहे हो और इसी का कोफैक्टर ले रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, इनटू इट्स कोफैक्टर, तो ये वैल्यू जो इक्वल होगा बेटा लोग, वो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के। लेकिन अगर मैं बोलूं एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ अनदर एलिमेंट, इज इक्वल टू आंसर जीरो। ना सर नहीं समझा, एक बार और बताओ आप लोग बेटा, कुछ जादू की बात? आप A11 है ना, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहे हो, आप किसी दूसरे कोफैक्टर ले लीजिए। आप A21 into A11 कर दो, A22 into cofactor of A12, A23 into cofactor of A13 कर दो, आंसर जीरो। बात समझ में आई? यही इस इंग्लिश में लिखा था, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। ये सवाल yes, sir. ये सवाल आपके घर का काम है, कीजिएगा। एग्जांपल है, करना क्या है सर? फाइंड एडजॉइंट। बिल्कुल एनसीईआरटी भी नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी भी इसको भाव नहीं देगा, इतना गंदा सवाल है ये, तो इतना गंदा सवाल मैं कराऊंगा नहीं, टाइम पास है। कमिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, सच पूछा जाए तो बेटा अब कहानी होती है शुरू असली। मैं आपको बोला ना लास्ट तक बने रहेंगे, मजा आएगा आपको। जब तक एडजॉइंट और इनवर्स खत्म नहीं होता है, कोई बच्चा क्लास बंक नहीं करेगा, लॉस बहुत ज्यादा होगा आपको, ठीक है सर। और इसको ना ये भी नहीं बोलूंगा कि बेटा आप जाकर रिकॉर्डिंग से करो, बिल्कुल नहीं करना है, लाइव क्लास अटेंड कीजिए, डाउट आ रहा है पूछिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं आपको रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं सर ये वाला चीज, क्या जेई से सवाल करेगा? ना। तो पढ़ा क्यों रहे सर आप? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के इतना इंपॉर्टेंस है कि आने वाले सारे प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन होते हैं, तो बोलते हैं ना कि ये भगवान है हमारे लिए सर। चलिए शुरू करते हैं सर, ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है बेटा एक मैट्रिक्स और इनटू में उसका एडजॉइंट। बहुत केयरफुली समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। तो एडजॉइंट के साथ जो बैठा है वही मैट्रिक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ध्यान देने वाली बात ये है कि कल के दिन अगर मुझे यहां पे सर बी मिल गया तो यहां पे बी दिखाना है मुझे, कल के दिन मुझे सी मिल गया तो सर मैं यहां पे सी दिखाऊंगा, मेरे को सर ए बी दोनों दिख गया तो बेटा यहां पे ए बी दिखाऊंगा। तो एडजॉइंट के साथ जो दिखा उसी के साथ उसका मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ वी हैव टू चॉइस,
आइदर वी कैन प्री मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स और वी कैन पोस्ट मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स, दोनों वैलिड होता है। बहुत स्मार्टली लेना होता है कि सर आप ले कौन सा रहे हो। ठीक है जी, हाँ सर कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। लो जी एक मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ठीक है सर बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है बेटा लोग, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यही है ना। जवाब नहीं आ रहा है, मैं क्या समझूं? यस बेटा एक मैट्रिक्स ही है जिसका मैं नाम ले लेता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। इधर आ जाएगा A31, A32, A33। ये हो गया बेटा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, आप बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, इसी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं इसके कोफैक्टर से। सो इट विल बी C11, C12, C13, C21, C22, C33, C23, सॉरी इधर हो जाएगा बेटा लोग C31, C32, C33। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा लोग, एडजॉइंट ऑफ ए दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, और वो बेटा लोग क्या बन रहा है जरा फोटो से बताइए, बताओ बताओ बताओ, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। C11, C21। हाँ अब एक बात ध्यान देना कि सर कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स जो C11, C12, C13 रो वाइज होता है, अब ये कॉलम वाइज बन जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा लोग C11, C12, C13। इधर आ जाएगा C21, C22, C23। क्या बात समझ में आई? आ गई सर। यस सर। बहुत बड़ी बात थोड़ी है सर, नहीं समझ में आ जाएगी। आ गई। सो सर हमको याद करना पड़ेगा। हाँ जी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। वो नहीं होता है सर, कैसे करें आप करो जैसे मर्जी करो, लेकिन करो बेटा ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, जरा गौर फरमाइएगा, ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर के एडजॉइंट के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। क्या खूबसूरत नजारा है सर, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है जी सर, बिल्कुल बड़ी बात है। बेटा आप हो जाओ कॉपी, क्या चाहिए आपको, मैं बगल में इनको मिटा देता हूं। अब थोड़ा इनको और पास लाते हैं। हाँ जी चलिए जी ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई करने की बारी है तो बेटा आपके एंड से आंसर आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। A11 एक मुझे बता दो कि सर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं एक नहीं दो बताओ। A12 C11 plus A13 C13। काफी शानदार, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। बेटा एक एलिमेंट और पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे ना ये वाला एलिमेंट बता दो जस्ट इसके बगल वाला, A1 फर्स्ट रो सेकंड मल्टीप्लाई A11 C21 C22 C23। बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, याद रखना बोलोगे सीख जाओगे। C23 बगल में एक और आता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, C32। हाँ जी हाँ जी गुस्सा कीजिए मैं कर दे रहा हूँ। A11 into C31 A12 into C22 A13 C23। सही तो लिखा हूँ बेटा, कहाँ गलती लिखा हूँ मैं? नेक्स्ट बोल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हो, नेक्स्ट छोड़ो ना अभी, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि बेटा ये कौन है और ये कौन है, पूरा सही ये कौन है, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, डिटरमिनेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा लो, डिटरमिनेंट हो गया सर। ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनता है जरा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं उसको, इधर बनता है बेटा लो डिटरमिनेंट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये वाला पार्टी जीरो, ये वाला पार्टी जीरो होगा, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ अनदर रो, अदर एलिमेंट। C21 किसका कोफैक्टर है सर? A21 का कोफैक्टर है,
तो मुझे सेम एलिमेंट का सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर रिजल्ट्स डिटरमिनेंट, एलिमेंट्स इनटू अनदर कोफैक्टर रिजल्ट जीरो. तो ये आंसर आएगा बेटा लोग जीरो, और यहाँ पे आएगा जीरो. जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए, जीरो 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 डिटरमिनेंट ऑफ ए. कुछ फोटो ऐसा बनता है. घर पे जाने के बाद सारे बच्चे इस चीज को वापस से एनालाइज करेंगे ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए. बेटा मैं मैट्रिक्स से कॉमन ले सकता हूं, तो मेरा सवाल ये है कि मैट्रिक्स से कॉमन लेते टाइम क्या मैं रो को देखता हूँ, कॉलम को देखता हूँ, या सारा देखता हूँ? सारा देखता हूँ. मैट्रिक्स एक डेटा है सर, जब भी आप डेटा में छेड़खानी करोगे तो सारा डेटा में चेंज करना पड़ेगा आपको. तो मैंने क्या किया बेटा, डिटरमिनेंट ए कॉमन लिया और बगल में जो मिला उसका नजारा बहुत खूबसूरत है. क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वेरी गुड. तो हमने ये प्रूफ किया कि सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर वी प्रूव्ड दिस फॉर 3x3 मैट्रिक्स, बट दिस इज वैलिड फॉर n x n मैट्रिक्स. तो आप जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है लीजिए, ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा. नाउ द सेम थिंग इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आती है बेटा लोग? बिल्कुल आती है सर. क्या खूबसूरत प्रॉपर्टी बेटा, मजा आया? तो गिव मी थम्स अप. देखते हैं ना कितने लोग हैं इधर जो सच में इसको एंजॉय किए. काफी लोग. खूबसूरत. ये नमित सिंह और एक बच्चा और गया ना, इनका नाम पकड़ते हैं पहले. नमित सिंह और एक बच्चा और छोड़ के गया, प्रिंस कुमार. नाम इनका नोट करते ना, इन नेक्स्ट क्लास में मैं रिमूव कर दूंगा इनको. जब एक बार बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो सुन लिया करो. मैं ही तो बेटा क्लास ज्वाइन मत करो ना, जो आपको टॉपिक समझ में आएगा उसका ज्वाइन करना. क्योंकि क्या होता है ना कि जब क्लास में बच्चा लीव करता है तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है और मैं वो फोकस के साथ पढ़ा नहीं पाता. तो अगर आपको सीखना है तो बेटा अपने टीचर का दिमाग बैलेंस करके रखें, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आपका है. अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अपने लिए सिखा रहे, तो बेटा फिर तो आप गलत फैमिली पाल रहे हो. चलिए जी बेटा, ये प्रॉपर्टी में किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए. वैसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है. लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी नंबर टू. हाँ जी सर, बड़ा बढ़िया है. एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटरमिनेंट ले रहे हो? हाँ डिटरमिनेंट ले रहे हैं. बताओ क्या होगा? सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन. हाँ तो प्रूफ करो सर. मैं नहीं मानता हूं, करते हैं प्रूफ. मैंने आपको बोला था कि बेटा पहला वाला प्रॉपर्टी से जेई सवाल पूछता ही नहीं, क्योंकि पूछने के लायक भी तो नहीं है. क्या इसमें क्या पूछ लेगा वो? कुछ नहीं पूछेगा. लेकिन ये प्रॉपर्टी से सवाल पूछा जाएगा, और इनफैक्ट 2003 का एक सवाल है मेरे पास जो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपसे बनवाऊंगा. लेकिन सवाल यह है कि सर मैं करूं तो क्या करूं, कैसे शुरू करूं? मैंने आपको बोला था कि बेटा हर प्रॉपर्टी की शुरुआत हम प्रॉपर्टी नंबर वन से करेंगे. कैसे? जैसे हर काम की शुरुआत भगवान से किया जाता है ना, नाम लेकर के. वैसे सर ये देखो, एडजॉइंट के साथ बैठा कौन है? ए. तो एक काम करो सर, हम जानते हैं. क्या जानते हैं सर? मैट्रिक्स इंटू इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई. बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है सर, जस्ट किया हमने. अब सर सामने वाला बोल रहा है मुझे डिटरमिनेंट दो, तो ले लो भैया डिटरमिनेंट. कौन मना कर रहे हैं आपको? लो डिटरमिनेंट. अप्लाइंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात नहीं है भैया. एक सवाल ना आपसे पूछ लेते हैं, और याद रखना बेटा जेई में जब भी आप एडजॉइंट के ऊपर सवाल करोगे, जब भी आपसे यही गलती होगी बार बार. तो इस गलती को थोड़ा ध्यान से समझिए. मान लो बेटा कि यहां पे 5 है, और ये 5 एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है जिसका ऑर्डर 4x4 का है. मेरा सवाल ये है कि जब इस 5 को डिटरमिनेंट के साथ बाहर निकालोगे तो 5 का कितना पावर बाहर आएगा? 4. ठीक है, अब बच्चे लोग ना गलत भी आंसर दे रहे हैं. लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए बेटा. ये 5 सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा? होगा सर.
तो इनडायरेक्टली तो सर आप ये बोल रहे हो ना कि पांच ने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो जब वो सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो पहले वाले रो में भी मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले भी, फोर्थ वाले में भी, सर सारे रो के साथ पांच मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉमन निकालो या मल्टीप्लाई करो सारे के साथ एक ही बार होता है। कॉमन भी निकालोगे तो सारे के साथ एक ही कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो सारे के साथ एक ही बार चला जाएगा। अगर पूरे मैट्रिक्स में एक एलिमेंट में भी कुछ कॉमन नहीं आया तो हम कॉमन नहीं लेते, सारे से कॉमन होगा तो ही कॉमन लेंगे सर। डिटरमिनेंट में वैसा नहीं है, डिटरमिनेंट बोलता है कि आप किसी एक रो से निकाल लीजिए, किसी एक कॉलम से निकाल लीजिए, क्योंकि डिटरमिनेंट बना कहां से सर, इक्वेशन से बना है। हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, दूसरे वाले इक्वेशन को मत कीजिए ना। तो बेटा पांच का मल्टीप्लाई पहले वाले रो में, पांच का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में, पांच का मल्टीप्लाई सारे के साथ हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा, इस डिटरमिनेंट से पांच को बाहर निकालना कोशिश किया, तो पहले रो से एक पांच, दूसरे रो से एक पांच, तीसरे रो से एक पांच, चौथे रो से एक पांच, तो ओवरऑल कितना पांच का पावर बाहर आ रहा है बेटा लोग, पांच का पावर फोर बाहर आ रहा है। सो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये बहुत क्रूशियल फंडा है, और मैक्सिमम टाइम आप गलती यहीं पे करने वाले हो, हर बार गलती आपसे यहीं पे होगा कि एक नंबर होगा जिसको डिटरमिनेंट से बाहर निकालना होगा और उसको आप बाहर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि उसको सही पावर नहीं दे पाओगे आप लोग। बात समझ में आई, आ गई सर? तो इन जनरल हम लोग एक रिजल्ट याद कर लेते हैं। क्या रिजल्ट याद करते हैं सर, कि मान लो बेटा एक नंबर है के, एक नंबर है के, वो एक एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताओगे बेटा इस के को मैं अगर बाहर निकालूंगा, ये ना एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर का है, तो कितना के का पावर बाहर आएगा? के की पावर n, के की पावर बाहर आएगा। वेरी गुड, ये आंसर याद रखेंगे। वो होता है ना कि मैं तो जाऊंगा तुमको ले जाऊंगा, तो डिटरमिनेंट भी है वो, नंबर भी है, बोलता है मैं तो जाऊंगा लेकिन मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर लेके जाऊंगा, तो ये तो बाहर आएगा ही, इनके ऑर्डर को भी बाहर लेके आएगा, बोलेगा तुम मेरे सर पे बैठो और चलो निकलते हैं बाहर दरवाजे के, तो ये दरवाजा पावर के साथ बाहर आता है। सुनना अब ध्यान से, मजेदार चीज है। अब आते हैं इस रिजल्ट पे। सर एक बात आपने सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये होता है, बिल्कुल होता है सर। तो सेम लाइक ना सर, कि आप दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, बात बराबर है। तो सर एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स ही होता है, तो आप एक काम करो ना सर, ये लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि बेटा अगर ये एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए बाहर आएगा कितने पावर के साथ, बाहर आएगा एन पावर के साथ बाहर आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ना, मैं एन ऑर्डर के लिए फॉर्मूला जनरलाइज कर रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा बेटा लोग, आई डिटरमिनेंट ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा लोग, वन, सो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन, आइडेंटिटी बन गया वन, एंड यहां पे हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एंड ओवरऑल क्या बन रहा है बेटा लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक बात और ध्यान दीजिए, वी कैन नॉट डिवाइड मैट्रिक्स बट वी कैन डिवाइड डिटरमिनेंट, क्यों सर, डिटरमिनेंट तो नंबर है ना, नंबर को डिवाइड करने में कब से तकलीफ हो गया, होता तो है सर, बस आप बात भूल रहे हो, अपनी बात से पलट रहे हो, कब जीरो नहीं होना चाहिए सर, अगर जीरो नहीं हुआ तो याद है ना आप लोग को जब लीनियर इक्वेशनिंग बात को बताया था कि बेटा हम बचपन में x इक्वल टू बी को हम लोग x इक्वल टू बी बाई ए लिखते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, बिना ए को पूछे भेजो मत, पूछो कि बेटा आप जीरो हो, तो बोलेगा हाँ, तो जीरो हो तो यहीं पे रुको, बोलो आप, मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा सर, मैं ये नहीं सोचने वाला हूं, मैं यहां से सोचूंगा, याद है बेटा सारा चीज बताया हूं आपको, लीनियर इक्वेशन जब एसओईली पढ़ा रहा था, ये गाना गा के रखूं आपके सामने, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस वन, क्योंकि सर एक डिटरमिनेंट है, राइट साइड आया तो पावर एन माइनस वन देके गया। क्या ये सारे बच्चों को चमका? यस सर। क्या बात है, चमक गया, काफी खूबसूरत प्रॉपर्टीज होते हैं, इनका नजारा भी बेहतरीन होता है, लिखोगे तो लगेगा कि सर कुछ तो कर रहा हूँ, सच में आप एक बार लिख कर देखना। मैं बीवन बैच से बोला था कि बेटा आप दो बार लिख के लाइए, उन्होंने एक बार लिख के लाया, तो आपका टास्क बढ़ता है, आप लोग लिख के लाएंगे तीन बार, देखते हैं कि आप तीन बार लिख के लाते हो कि दो बार लिख के लाते हो।
सारा प्रॉपर्टी आपको लेना है, तीन बार लिख के लाना है। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज लिख के आनी। बिल्कुल, जो प्रॉपर्टीज मैं आपसे करा रहा हूँ ना, ये सारा दो बार तीन बार खुद से करके। उनके प्रूफ भी। हाँ जी बेटा, उनके प्रूफ भी लिखने हैं। हाँ सर, क्लास नोट्स की बुक यहाँ पे लिखते हो ना, जो तीन बुक्स बताया था ना, एक क्लास नोट्स वाली बुक जो क्लास में आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो। ये प्रूफ पूछा सर। हाँ हाँ, प्रूफ मैं जो कर रहा हूँ बस वही है, आप इसी को लिख कर लाएंगे तीन बार। जैसा प्रूफ किया एक बार देखकर कीजिए, और एक बार बिना देखे, और दूसरा बार भी बिना देखे कीजिए, तीन बार कीजिए आप। जब उनको दो बार बोला तो वो लोग एक बार किए, तो आपको तीन बार बोलता हूँ, देखता हूँ आप दो बार करते हो कि एक बार करते हो कि तीनों बार करते हो। तीन बार सर। तीन बार कीजिए, जितना बार करोगे बेटा आपके लिए फायदा है। यहाँ पे शुरू करते हैं सर, ये भी बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना कि सर एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ जे को सबसे ज्यादा प्यार है इस प्रॉपर्टी से, सबसे ज्यादा, पता नहीं क्यों है बस। ऊपर वाला ऐसा मत समझो कि ऊपर वाला बेकार है। अब इसी प्रॉपर्टी के शक्ल में बार बार सवाल क्यों देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपने आप में सारे प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व करा लेता है, और इसके छोटा भाई ये कि उसका ही हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, देख रहे हो, इसका ही हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसका ही छोटा भाई है। चलिए पहले इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं सर, कैसे प्रूफ होता है। सेम फंडा कि सर एडजॉइंट के साथ जो मैट्रिक्स बैठा होता है, हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो हमारा कहानी क्या था बेटा, कि एक मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू आई, ये होता है। हमने देखा कि सर इस बार मामला गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बेटा, कि सर एडजॉइंट के साथ खुद एडजॉइंट बैठा है, तो एक मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स बैठा है, तो इस बार कहानी कहां से शुरू किया जाएगा, सर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई। सोच कर देखिए बेटा मैंने क्या किया यहां पे। yes, चमक गया सबको। Yes, sir. कुछ, yes, कुछ नहीं तो क्या है, मैट्रिक्स ही तो है, तो कंसीडर कर लो ना एडजॉइंट ऑफ बी। सो मैंने लिखा क्या, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, मैंने वही लिखा है। इसलिए मैं आपको बार बार बोला है कि बेटा एडजॉइंट के साथ जो बैठा है, कहानी वहां से शुरू कर दो, और अगेन शुरू करो कहां से, प्रॉपर्टी नंबर वन से। बिल्कुल जी सर, समझ गए। अब आगे बताओ, आगे कुछ नहीं, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाए सर, दिमाग तो लगाओगे सर। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कितना होता है बेटा, लो प्रॉपर्टी नंबर टू को याद करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1। वेरी गुड, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 इंटू आई। ठीक है सर, समझ गए हम। सर आप बोल दें कुछ, सर साउंड नहीं आ रही आपकी, साउंड नहीं आ रही सर।
हेलो। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना? नो सर। नो सर। कब से गई है? काफी देर से या साढ़े कुछ देर चार से? मिनट हो कुछ ही देर। गए। हाँ 5 मिनट जी, से सर, 5 मिनट से, 5 मिनट स्कैम से। 22। मैं काफी कुछ बता दिया हूँ, मैं ना आपको ओपन ये स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, काफी कुछ बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी बॉक्स में इंटरनेट नहीं पहले हुआ लिख देती दिया सर, हमने कमेंट बॉक्स में भी मैं लिखा था बट उसमें भी लिया। लिखा था। मेरी आवाज फंस नहीं रही है? मेरी आवाज फंस नहीं रही है ना बेटा लोग? क्योंकि कैमरा ऑन करने से, फोन तो डेटा से जब ऑन जरूरी करूंगा है तो आवाज ठीक है। नो सर, ठीक है। खराब लगा बहुत ज्यादा। थोड़ी थोड़ी फंस रही है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बिल्कुल फंसती नहीं चाहिए। अभी आ रही है बेटा, स्क्रीन भी दिख रहे हैं लोगों को? यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही बेटा? हेलो, यस मेरी सर। आवाज मूड खराब हो गया। इंटरनेट कब सुधरेगा?
कितना अच्छा चीज पढ़ा रहा था, फ्लो नहीं टूटा, मेरा दिमाग खराब हो गया, सही बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई बहुत सीरियसली करता हूँ, तो मस्ती करता हूँ तो मस्ती, पढ़ाई करता हूँ तो बहुत सीरियसली कर रहा हूँ, और अच्छी चीज भी तो खास करके, लेकिन क्या बताओ, वाईफाई वाले रहते ना बहुत मारता अभी उनको। सर आपने तो इतना सब कुछ लिख लिया थर्ड प्रॉपर्टी का, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था इसको, ठीक है। हमें तो स्टार्टिंग टू लाइन ही पढ़ाई, उदास नहीं होते, वापस शुरू करते हैं कहानी को। चलिए जी, फिर से दर्द पीड़ा सब दूर करो, आइए एक बार और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। ये मैंने यहां तक पढ़ाया था बेटा लोग, यस सर। Yes. अच्छा ये वाला चीज अभी छोड़ो, हाँ जी अब सुनिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे आने के बाद मैंने बस यही बताया था कि हमें चाहिए बस ये पार्टी, अब ये पार्टी चाहिए तो बेटा मुझे इस भाई साहब को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये तो फालतू आदमी है, हमें तो सिर्फ इनसे मतलब है और हम सारे लेकर बैठे हैं, दैट मीन सर वी हैव टू एलिमिनेट एडजॉइंट ऑफ इट। अब आइडिया लगाओ सर कैसे हटाओगे आप। तो एक बच्चा बोल रहे हैं सर देखो मैं मस्त आइडिया देता हूँ। कौन सा आइडिया भाई? सर ये एडजॉइंट हो ना, इधर डिवाइड कर दो और फिर तो सर जी निकल जाएगा हमारा और टॉप मार देंगे सर, रैंक भी आएगा, आपको सच्ची बता रहे हैं, ऐसा करके आएंगे। जी वाला बोलेगा वाह क्या कम किया आपने, ऐसा नहीं करते बेटा लोग, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वी कैन नॉट डिवाइड मैट्राइसिस बट वी कैन डिवाइड डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट अलजेब्रा अलग है, मैट्रिक्स अलजेब्रा अलग है। तो सर इसको हटाएंगे कैसे आप मुझे बताओ, देखिए तरीका देखिए हटाने का, मैं क्या कर रहा हूं बेटा लोग, मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई ए, मैं वापस बोल रहा हूं बेटा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन आपकी कोई चीज नहीं होती है, प्री मल्टीप्लाई या तो पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों में से कोई एक आपको दिखाना पड़ेगा। सो प्री मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, तो ये हो गया बेटा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए into adjoint of A is equal to A into determinant of A n minus 1 into I। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये है determinant और मैं बार बार determinant को एक number बोलता हूं, determinant एक number है, number हम कभी भी कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने भी मना नहीं किया है आपसे कि बेटा 2 into 3 को आप 3 into 2 मत लिखिए, लिखो, देश आजाद है और मैथ्स में वैलिड भी है तो कीजिए। मैट्रिक्स में मना किया गया है कि ए बी और बी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स डज नॉट कंप्यूट बट नंबर्स डज, नंबर करते हैं मैट्रिक्स नहीं करते सर। तो मैं क्या करूं बेटा इसी चीज को, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बीच में थोड़ा मेरा वो बना रहे, क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ा पाऊं मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूं बेटा लोग। अच्छा अब a into i को थोड़ा समझिए, a into i दुनिया वाले बता के रखे हैं सर क्या कि i into a करो या a into i करो, ये होता कितना है सर, a होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही सर, बिल्कुल औकात नहीं है कि एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर कुछ अलग बना दे, वो सेम बनाता है, तो ऐसा समझो कि ये मेरे लिए था ही नहीं, आइडेंटिटी मेरे लिए था ही नहीं सर, मेरा खुद की आइडेंटिटी नहीं सर, मैं मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या बताऊंगा मैं। हाँ जी बिल्कुल। अब बेटा अगर इस चीज को देख पा रहे हैं तो इसका जवाब भी आपकी ओर से आनी चाहिए, ये क्या है, a into a joint of a, क्या बात है सर, काफी खूबसूरत चीज दिख रहा है, कुछ तो है, बताइए फिर क्या है, determinant of a into i, determinant of a into i into adjoint of a is equal to, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा लोग बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकते हो सर, a into i is a, ऐसा मान के चलो कि आइडेंटिटी था ही नहीं, a power n minus 1 a into i is a, now again determinant is number so we can divide determinant on right hand side, तो ये होगा बेटा लोग identity into matrix so it will be adjoint of A is equal to determinant of A power N minus 2 into में A। बोलिए नहीं समझे सर? समझे समझ गए सर।
क्या बात है, समझ गई सर, चमका सारे बच्चों को, बिल्कुल चमका, इतना चमक गया कि दिखाई दे दिया। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझेंगे, टिक टिक कर करेंगे, मजा आ जाएगा। नाउ अगेन लेट्स ट्राई टू प्रूव इसका जो बच्चे वाला प्रॉपर्टी है कि सेम प्रॉपर्टी में हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं। सर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मजेदार बात है सर। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर थ्री। हमारा प्रॉपर्टी नंबर थ्री बोलता क्या है? प्रॉपर्टी नंबर थ्री बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन इनटू में मैट्रिक्स ए। अब ये सवाल बोल रहा है कि भैया हम इस प्रॉपर्टी से खुश नहीं थे, आप मुझे इनका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ। तो हमने निकाला डिटरमिनेंट, लो जी सर अप्लाइंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, एन माइनस टू ना, अच्छा एन माइनस टू, सॉरी 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 वो बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही, हाँ जी मैंने ऊपर से लिखा है ना, हाँ ऊपर से लिखा, थैंक यू बेटा, बचा लिया आपने एक और मिस्टेक से। तो ये हो गया सर डिटरमिनेंट ए। नाउ अगेन सर वी हैव पंडा, क्या कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होकर इसको बाहर निकालना है। अगेन थिंक दिस इज अ नंबर, सोचिए कि सर ये नंबर है और ये डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूं, तो बस सीधी बात है सर कि आप इस नंबर को डिटरमिनेंट से बाहर लेके आना चाहते हैं तो ये तो आएगा लेकिन मैट्रिक्स को पावर को लेकर के आएगा, है ना? गाना सुने, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, नहीं सुने हो? देखती रह जाएंगी सखिया तुम्हारी, है ना? ही सुने हो? ये मैट्रिक्स के पावर उठा के लेके जाता है, ये डब्बा बेचारा देखते रह जाता है और ये बाहर निकल के आ जाता है, सेम लाइक की पुराने जमाने का अजय देवगन है। तो कोई बच्चा बताएगा कि सर ये बाहर तो आएगा लेकिन एक पावर के साथ बाहर आएगा, और कितने पावर के साथ बाहर आएगा, कितने ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, एन ऑर्डर मैट्रिक्स, बेटा कितने पावर बाहर लेके आएगा, एन पावर बाहर आएगा, और ये देखते रह जाएंगे सर, मैट्रिक्स देखते रह जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब अगेन आप जानते हो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए एन पावर मल्टीप्लाई आपस में होते हैं, याद है ना आपको, एक्स पावर ए का पावर बी करते हो सो इट इज एक्स पावर ए बी। और दूसरा चीज हमने क्या सीखा है बचपन में, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन। सो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो फाइनली इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस का वन, जिसको दुनिया वाले याद करके रखे हैं एन माइनस वन के होल स्क्वायर के फॉर्म में। बोलो, नहीं समझे सर? समझ गए सर, प्रूफ आया, आ गया। नाउ वी विल प्रूव प्रॉपर्टी नंबर फाइव, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सेवन आपको करना है, प्रॉपर्टी नंबर एट, तीन प्रॉपर्टी मैं कराऊंगा। लेट्स कंक्लूड द लेक्चर विथ वन जेई क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं इसको, दो मिनट लगेगा, साथ दीजिएगा मेरा। सर सवाल पढ़ते हैं, सवाल लिखा है कि पी एक मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ए का, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं सर कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू पी। मुझे हिंट में डिटरमिनेंट दिया है तो क्यों ना सर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दूं। तो मैंने क्या किया सर कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाला और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ पी। अब पी का डिटरमिनेंट कितना हो रहा है बेटा, लोग बताइए, पी का डिटरमिनेंट आ रहा है, जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन वाला गायब, माइनस अल्फा फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री फोर माइनस सिक्स, और ये आ रहा है आपका माइनस टू माइनस अल्फा प्लस का थ्री, ये आ रहा है, सो ये आ रहा है माइनस टू माइनस अल्फा प्लस का थ्री, ये आ रहा है डिटरमिनेंट पी। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता कितना है, डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस वन होता है कि नहीं होता? अब एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना इस मैट्रिक्स का, तीन, सो वी कैन राइट थ्री माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस अल्फा प्लस थ्री, ये हो गया सर डिटरमिनेंट ए कितना दिया सर, चार दिया है, अच्छा अच्छा मैंने टू इधर टू लिख दिया, 3 माइनस 1 होगा, बिल्कुल बेटा। अब ये डिटरमिनेंट ए आपको 4 दिया है, 4 पावर 2 इज 16,
इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस अल्फा प्लस का थ्री, और इसके बाद हो जाएगा बेटा लोग माइनस अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस एट, फिर माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस इलेवन, अल्फा इज इक्वल टू इलेवन। बोलो नहीं समझे सर? दो चीज यहाँ पे सीखने वाली कि पहला सीखने कि बेटा सवाल आपको नहीं बोलेगा, नहीं इतना भी जेई वाले हम पे दयालु नहीं होते हैं कि बगल में लिखेंगे क्वेश्चन, लेकिन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर टू ऑफ एडजॉइंट, तो आप खुश हो जाएगा, अच्छा सर हिंट तो दे दिया आपने, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा। मेरे दिमाग में कैसे है सर डिटरमिनेंट लेना था, क्योंकि बेटा डिटरमिनेंट ए दिया है और एडजॉइंट कब, एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ए आता है वो प्रॉपर्टी नंबर टू से, सर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस वन से, तो मैं फिर ये वाला यूज कर लिया क्योंकि ये डेटा मेरे पास था। बाकी कोई दिक्कत बेटा लोग ये सवाल में कहीं पे कोई दिक्कत? कहां से आया? क्या बोला बेटा आपने? 16 कहां से आया? 16 बेटा ये है ना डिटरमिनेंट ए आपको दिया है 4, सो 4 पावर 2 16 होगा ना। ओके सर क्वेश्चन दिया है, मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपका ध्यान जाए सवालों पे, ये रहा डिटरमिनेंट ए दिया। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं ना, कितना आ रहा है आंसर हमारा? 11 आ रहा है, ऑप्शन इज करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, नीचे दिया रहेगा बी आंसर सही है। ये सवाल सोच कर आना, ठीक है? चलिए जी बेटा लोग, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलेंगे आपसे मंडे, शुरू करेंगे इसी कहानी को आगे, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए दिन को, कल संडे नो क्लास इन मॉर्निंग, सो बी हैप्पी। सारे बच्चे मैट्रिक क्वाड्रेटिक का जो असाइनमेंट दिया है ग्राफ उसको कीजिए, बहुत खूबसूरत असाइनमेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा कि मैं जो असाइनमेंट देता हूँ उसका लॉन्ग टर्म में फायदा आपको बहुत ज्यादा आएगा। लिटरली आप बोलोगे कि सर मैथ्स सीखा तो 11th 12th में सीखा, 12th में सीखा, बस असाइनमेंट करते रहिए आप। जेई छोड़ो यार, तुम कॉलेज में जाकर भी नहीं रहोगे।